नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर में दम है आपके साथ। इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय, शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो पश्चिम बंगाल की मिदनापुर से आ रही है, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में बीजेपी के 15 कार्यकर्ता हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी का हमला हुआ है। पूर्वी मिदनापुर में झंडा लगाने को लेकर मारपीट हुई, बीजेपी के 15 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी के 15 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको याद होगा कि एक दिन के दौरे पर, आज का दौरा, कल के दौरे पर पहुंचे थे जेपी नड्डा, और आज ये खबर सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, टीएमसी वर्कर्स पर हमले का ये आरोप लगा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां निर्माणाधीन मॉल में हादसा हो गया है। द्वारिका में निर्माणाधीन मॉल में हादसा हुआ है, मॉल की मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई है। बेसमेंट के निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये बड़ा हादसा, मॉल की मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बेसमेंट के निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ है। द्वारका में निर्माणाधीन मॉल में यह हादसा हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। इस हादसे में एक मजदूर की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि बेसमेंट के निर्माण का काम चल रहा था, जिस दौरान मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ है। मिट्टी धंसने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई है इस मलबे में दबकर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ, उसके बाद जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश लगातार जारी रही। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के कृष्णागिरी में जलीकट्टा के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है, एक छज्जा गिरने से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। रिपोर्ट देखिए, खेल का शौक कितना भारी पड़ सकता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में जलीकट्टा का खेल खेला जा रहा था, जिसे देखने के लिए, सांडों से बचने के लिए सैकड़ों लोग एक इमारत के ऊपर चढ़े, और इमारत का छज्जा उनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका, और आगे जो हुआ ये तस्वीर उसी की गवाह है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, मरने वालों में एक 8 साल की मासूम बच्ची भी है, जबकि हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कार्यक्रम का आयोजन बिना अनुमति के किया गया था, जिस वजह से 12 आयोजकों पर केस दर्ज कर लिया गया। बता दें कि ये सभी लोग यहाँ होने वाले कार्यक्रम को देखने के लिए आए थे। जलीकट्टी में जहाँ बैल को सड़कों पर खुला छोड़ दिया जाता है, लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और बुल के सींग पर बंधे पुरस्कार को हथियाने का प्रयास करते हैं। कश्मीर के रामबन में पुल गिरने से श्रीनगर हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कैसे यह हादसा हुआ, यह रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की हैं, जहां श्रीनगर जम्मू हाईवे पर अचानक एक पुल भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। हादसा रामबन के केला मोड़ इलाके में हुआ है। पुल गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात ठप हो गया है, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बताया जा रहा है कि 5 दिन से पुल बंद था, भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से इसे बंद किया गया था। फिलहाल प्रशासन की टीम पुल की मरम्मत में जुटी है। जब तक पुल की मरम्मत नहीं हो जाती या फिर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बना दिया जाता, लोग रास्ते में फंसे रह सकते हैं। और आइए अब हम आपको आज की सबसे खूबसूरत और मानवता की मिसाल पेश करने वाली एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आई है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से। तस्वीर में क्या कुछ संदेश है, ये रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ बर्फ का कोहरा, बीच में एक पगडंडी पर अपने कंधों पर एक बुजुर्ग महिला को लादे चल रहे ये भारतीय सेना के वीर जवान हैं। तस्वीरें बांदीपोरा की हैं, जहां भारी बर्फबारी के बाद सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन भारतीय सेना के हौसले का रास्ता बर्फ बंद कर सके, इतनी हिम्मत उसमें कहां। जैसे ही सेना को जानकारी मिली कि बांदीपोरा में एक मेडिकल इमरजेंसी है और एक बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेली है, तो फौरन सेना के जवान उसके घर पहुंचे और उसे कंधे पर उठाया। रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें बर्फ के बीच से ही मेन रोड तक पहुंचाया। बुजुर्ग महिला को मेन रोड तक पहुंचाने के लिए सेना के जवानों ने करीब 2 किलोमीटर का सफर ऐसे ही तय किया।
और मेन रोड पर पहुंचने के बाद बुजुर्ग महिला को सेना की गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं हरियाणा में कैसे सियासी गुंडों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बवाल काटा। तस्वीर देखिए। करनाल में किसान और पुलिस के बीच उस वक्त संग्राम छिड़ गया जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर के महापंचायत से पहले जमकर बवाल हुआ। उग्र किसानों ने मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया मंच भी तोड़ दिया। हालात बिगड़े तो स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पहले किसानों को पीछे हटने के लिए कहा गया, प्रदर्शनकारी किसान नहीं माने तो पुलिस ने पानी की तेज धार से किसानों को पीछे करने की कोशिश की। इस दौरान सीएम को काले झंडे दिखाए गए। हरियाणा में बीजेपी की महापंचायत के विरोध में किसानों ने जमकर हंगामा किया और सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए नए कृषि कानून पर आर पार की लड़ाई की धमकी दी। पुलिस और किसानों में टकराव की वजह से हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। और महाराष्ट्र में मासूमों की मौत पर मुआवजा और मरहम की सियासत लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, क्या कुछ आश्वासन दिया, देखिए रिपोर्ट। मासूमों की मौत पर बिलखते परिजनों को मुआवजे का मरहम लगाने के बाद उद्धव ठाकरे उनसे मिलने भंडारा पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की जांच के लिए एक टीम के गठन का ऐलान किया और कहा किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। काफी दुखद घटना है, इस मामले की जांच होगी, संभागीय आयुक्त की अगुवाई में जांच होगी। मैंने सभी अस्पतालों के फायर ऑडिट का निर्देश दिया है। मरने वाले मासूमों के परिजन अस्पताल प्रबंधन और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र के भंडारा में अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत पर बवाल मचा हुआ है। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां बदले की राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, उद्धव सरकार ने फडणवीस समेत कई विपक्षी नेताओं की सुरक्षा को घटा दिया, या फिर यूं कहें कि हटा दिया है। महाराष्ट्र में सियासत का बदलापुर शुरू हो चुका है। उद्धव सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा घटा दी है। इसके अलावा फडणवीस की सुरक्षा में तैनात बुलेट प्रूफ गाड़ी भी वापस ले ली गई है, जिसकी बीजेपी ने कड़ी आलोचना की है, साथ ही इसे बदले की राजनीति बताया है। मेरी कोई उसके बारे में तकरार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जो निर्णय लेना है ले। हम कोई केवल सुरक्षा के भरोसे चलने वाले लोग तो नहीं है, हम जनता में रहने वाले आदमी है। फडणवीस के साथ उनके परिवार, यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की सुरक्षा भी उद्धव ठाकरे सरकार ने घटा दी है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की सुरक्षा वापस ले ली। इसका आदेश 8 जनवरी को कर दिया गया था, जिसे फौरन लागू भी कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू पर अलर्ट जारी कर दिया है। पक्षियों की मौत के बाद एहतियातन गाजीपुर मुर्गा मंडी को बंद करने का आदेश भी सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया। दिल्ली में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। पक्षियों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू पर अलर्ट जारी किया। एहतियातन गाजीपुर मुर्गा मंडी अगले 10 दिन तक बंद करने के आदेश दिए गए। गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। जब रिजल्ट्स आएंगे और जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है, वो सभी कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली के जसोला पार्क में भी 26 कौओं के मृत पाए जाने की खबर सामने आई है। इससे पहले संजय झील में 10 बतख मरी हुई मिली थी। कौओं की मौत से भी बर्ड फ्लू के खतरे का अंदेशा हुआ। इन सब के सैंपल दिल्ली सरकार ने लैब में जांच के लिए भेजे हैं। कोरोना के बाद देश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश में कई राज्यों में पक्षियों की मौत के बाद घटनाएं लगातार बढ़ी, जिसके बाद पूरे देश में दहशत और बढ़ गई।
केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। देश के कई राज्यों से पंछियों की मौत और बर्ड फ्लू के मामलों के बाद केंद्र और राज्य सरकारें पूरी एहतियात बरत रही हैं, ताकि कोरोना से लड़ रहे देश के लिए बर्ड फ्लू बड़ी मुसीबत ना बन जाए। यूपी के कानपुर के चिड़ियाघर में 4 मुर्गी और 2 तोतों की बर्ड फ्लू से मौत की तस्दीक हुई है, जिसके बाद चिड़ियाघर बंद करवा दिया गया। हरियाणा में 400,000 मुर्गियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। केरल में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र में 900 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई। बर्ड फ्लू के फैलने का प्रभाव देश के पोल्ट्री उद्योग पर पड़ा है। पोल्ट्री उत्पादों की मांग में कमी आने के कारण इनकी कीमतें भी घटी हैं। 13 साल बाद फिर से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और मंकी गेट विवाद सुर्खियों में आ गया है। बॉलर सिराज पर लगातार दूसरी बार नस्ल भेदी टिप्पणी की, जिससे भारतीय क्रिकेट गुस्से में है। सिडनी टेस्ट में लगातार दूसरे दिन मंकी गेट विवाद हुआ। टेस्ट के चौथे दिन भी भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज पर दर्शकों ने नस्ल भेदी टिप्पणी की और उन्हें ब्राउन मंकी और बिग डॉग बोला। सिराज की शिकायत पर अंपायरों ने पुलिस बुलाई और 6 दर्शकों को बाहर निकाल दिया गया। पूरे विवाद पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया से माफी मांगी है। विराट कोहली ने भी घटना पर एतराज जताते हुए कहा कि नस्लीय गाली बर्दाश्त नहीं, मैदान पर यह देखना शर्मनाक है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने भी घटना पर विरोध जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि नस्लीय भेदभाव इस महान खेल या जीवन के किसी भी हिस्से में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सीए ने मामले की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी है। इसके साथ न्यू साउथ वेल्स पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की बात कही है। शनिवार देर रात एक साथ पूरे पाकिस्तान की बिजली गुल हो गई, जिसके बाद कई घंटे तक पूरा पाकिस्तान अंधेरे में रहा। पाकिस्तान में अंधेरा छाया रहा। पाकिस्तान की किस्मत में ही अंधेरा लिखा है। एक तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्द में जा रही है, तो दूसरी तरफ इमरान राज में पूरा का पूरा पाकिस्तान ही अंधेरे में डूब गया। शनिवार देर रात एक साथ पूरे पाकिस्तान की बिजली गुल हो गई। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी अचानक गिरने की वजह से ब्लैकआउट हुआ। ब्लैकआउट से पाकिस्तान में कोहराम मच गया। सिर्फ गाड़ियों की आवाजाही से ही शहरों में थोड़ी बहुत लाइटें नजर आ रही थी। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि कहीं सेना ने इमरान खान सरकार का तख्ता पलट तो नहीं कर दिया। नहीं आ रहा कि ये पूरे पाकिस्तान की लाइट क्यों गई हुई है। बस अब तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पर रहम करे हमारे मुल्क पर। हमारे मुल्क के लोग पहले ही इतना डरे हुए हैं और ऊपर से लाइट नहीं है, लोगों में खौफ हरा। इस ब्लैकआउट से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में अंधकार छा गया है। एयर स्ट्राइक के खौफ में आए पाकिस्तान सरकार ने अपनी एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा। पूरी रात पाकिस्तान के आसमान में गंजी जहाज मंडराते रहे। इंडोनेशिया के लापता विमान का मलबा जकार्ता में समुद्र के किनारे मिला है। आपको बता दें कि विमान में क्रू मेंबर समेत 62 यात्री सवार थे। इंडोनेशिया के लापता विमान का मलबा जावा सागर से बरामद हुआ है। शनिवार को श्री विजया एयरलाइंस के विमान ने जकार्ता एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। विमान में 62 लोग सवार थे। जकार्ता के पास जावा सागर में सुबह सुबह पहले 2 बैग मिले। एक यात्री बैग था और दूसरे बैग में बॉडी पार्ट्स मिले। उसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान समुद्र में विमान का मलबा मिला। ये वही जगह है जहां पर उड़ान भरने के बाद विमान क्रैश हुआ था। रेस्क्यू टीम ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन तेज किया। लापता विमान ने जकार्ता से पोंटियानक के लिए उड़ान भरी थी। इसमें सवार 50 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स इंडोनेशिया के नागरिक हैं। विमान उड़ान भरने के 4 मिनट बाद महज 1 मिनट से भी कम समय में 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गया। ऐसा विमान के क्रैश होने की सूरत में ही होता है। ये विमान 26 साल पुराना बताया जा रहा है। मशहूर शायर मुनव्वर राना एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं। इस बार उन्होंने किसान आंदोलन भड़काने वाला शेर लिखा, जिस पर विवाद हो गया है। अपने शेर से मुनव्वर राना ने संसद को गिराकर खेत बनाने की बात कही है, सेठों के गोदामों को जला देने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी, संसद को गिराकर वहां कुछ खेत बना दो। अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर, सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो। मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूँ, गर्दन को उड़ाओ मुझे या जिंदा जला दो।
मुनव्वर राणा के शेयर पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि ऐसे लोगों का विरोध कानून से नहीं पीएम नरेंद्र मोदी से है। हालांकि विवाद के बाद मुनव्वर राणा ने अपना शेयर डिलीट कर दिया, हालांकि वो कहने से भी नहीं चूके कि उन्हें अपनी बात कहने का पूरा हक है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले पहचान छुपाकर युवती से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर रेप किया है। इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोपी ने पहले पहचान छुपाई और फिर शादी का झांसा देकर युवती से रेप किया। पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोप है कि ऑफिस जाने के दौरान पीड़ित की आरोपी से दोस्ती हुई थी, जो बाद में प्यार में तब्दील हो गई। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया और इतना ही नहीं, उसका अश्लील वीडियो बनाकर वो उसे ब्लैकमेल भी करता था। जबरन शारीरिक संबंध बनाया, छोटा भाई ये लड़की का, बोले उसको मार दूंगा, इस तरह से कई प्रकार से वो धमकियां देता रहा उसको और उससे पैसे वैसे की मांग भी करता रहा लगातार। इस प्रकार से प्रकरण दर्ज हो चुका। पीड़िता के मुताबिक उसने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया तो उसे दूसरे धर्म का होने का बताकर शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ रेप, मारपीट, धमकाने और वसूली करने का मामला दर्ज कर लिया है। यूपी में आज से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। यूपी में हर गरीब मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने का बेहतरीन जरिया बना मुख्यमंत्री आरोग्य मेला एक बार फिर से शुरू हुआ। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल मार्च से साप्ताहिक मेले का आयोजन रोक दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। 1400 से अधिक स्थानों पर आरोग्य मेला हर रविवार को लगा करेंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जन आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। मेले में पैथोलॉजिकल टेस्ट, खास रूप से रैपिड डायग्नोस्टिक किट आधारित जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही दवाइयां भी मिलेंगी। इन मेलों में आयुष्मान भारत योजना के तहत 2,30,890 व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड भी बनाए गए थे। अब प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हर रविवार को ये मेला आयोजित होगा। नर्मदा के केवड़िया में राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने नर्मदा में केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सुभाष चंद्रा ने आसपास के इलाके में विकसित किए गए टूरिस्ट प्लेस का भी जायजा लिया। टेंट सिटी वन में रुके और आरोग्य वन में भी औषधीय पौधों के बारे में जानकारी ली। आरोग्य वन की मैसेज डायरी में उन्होंने लिखा कि ये आरोग्य वन बेहद खूबसूरत तरीके से विकसित किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 70 सालों में सरदार पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। राज्यसभा सांसद ने कहा कि पीएम मोदी ने सरदार पटेल को सम्मान दिया। आज मैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश के पंथ प्रधान है उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने यहाँ जंगल सफारी भी की। इस दौरे को लेकर सुभाष चंद्रा ने कहा कि मुझे यहाँ पहले ही आना चाहिए था। सुभाष चंद्रा ने नर्मदा की आदिवासी महिलाओं से मुलाकात की और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा भी की। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी जारी है। ताजा बर्फबारी से श्रीनगर में जनजीवन प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि बारिश और भारी ठंड से लगातार लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी हुई। बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। भारी बर्फबारी से कई रास्ते बंद हुए, रास्तों में भी कई लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में जिधर देखो उधर बर्फ ही दिख रही है, सड़क हो या फिर घर, फर्क करना मुश्किल है। लगातार बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया है। जवाहर टनल में भी भारी बर्फबारी की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। कुलगाम में बर्फबारी की वजह से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं नेशनल हाईवे 1 पर भी बर्फबारी की वजह से लंबा जाम लगा। हाईवे खुला लेकिन सर्द मौसम की वजह से यहां वाहनों की रफ्तार धीमी है। इसका असर उड़ानों पर भी दिखा है। कोरोना को भगाने का ऐसा तरीका आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा।
जैसा कि जापान में ये तरीका सामने आया। क्या है मामला, ये रिपोर्ट देखिए। पानी के बीच खड़े ये जापानी लोग जापानी में मंत्र पढ़ रहे हैं या ठंड के मारे कांप रहे हैं, तय कर पाना मुश्किल है। लेकिन हड्डियां गिरा देने वाले इस बर्फीले पानी में ये लोग कोरोना को भगाने के लिए बैठे हैं। पानी के बीच में बर्फ की सिल्लियां रखी हुई हैं और 5 डिग्री ठंडे पानी में इस बार आइस बात करने के लिए केवल 12 लोग हैं। टोक्यो के धार्मिक स्थल के सामने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बर्फीले पानी में बैठने से पहले इन्होंने वार्म अप किया और अपने अंदाज में प्रार्थना भी की। जापान में कोरोना से हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां 7 फरवरी तक इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अभी भी करीब 2,60,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और अब तक करीब 4,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। नमस्कार।